चुका है, समापन हो चुका है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट में जो विनर टीम है वो है आरपीएस नहीं संजयपुर है, माफ करना संजयपुर है, और रनर जो टीम है वो वापस कमान। तो फाइव डिवीजन के लिए है संजयपुर, सेकंड डिवीजन के लिए वर्तमान मसाला खुलासा, और थर्ड डिवीजन के लिए आरंभ। तो सभी खिलाड़ियों के लिए चेयर लगा दी गई है, वो अपने खिलाड़ियों के साथ आ जाएं। और मैं बात चलती है जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है इसमें दर्शकों की तस्वीरों से बंद किया गया है, पर्चियां इसमें डाली गई है। जब क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो जाएगा एकदम बिल्कुल आखिर में एक पर्ची को निकाला जाएगा और जिस भी दर्शक का नाम निकलेगा वो यहाँ हो जाएगा आसमान छू लेने वाला दर्शक। तो 2019 की बात भी करेंगे कि एक दर्शक जिसको मिली थी साइकिल वो करीब महुआरा का दर्शक था, और 2020 में जो इस ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया उसमें दरियापुर का दर्शक था मोहम्मद अजीम नाम था, वो उसको मिली थी साइकिल। अब की बार ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा वो दर्शक आराम के कब्जे आसमान को छुए के पास पर आ जाए। और ये बार कारण मैं जरूर ये कह दूं कि जो भी दर्शक यहाँ जिस दर्शक को साइकिल मिलेगी उससे सिर्फ इतना जरूर पूछा जाएगा कि आप हाज मुला कब खाते हैं, इसका जवाब देना होगा। तो मैं सबसे पहले आवाज देना चाहूंगा कैच ऑफ आरन जो मोहम्मद आदिल को कि वो आ जाए। और मैं संजयपुर के सभी खिलाड़ियों की एक लिस्ट मुझे चाहिए, वो बनाकर दे दे। तो तीनों कैप्टन यहाँ आ जाए, बैठा दिया जाएगा, चेयर लगी हुई है, खिलाड़ी आ जाए, कैप्टन आ जाए, तीनों टीमों के चेयर लगा दी गई है, बैठ जाएंगे वो लोग। संजयपुर के स्कीपर अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर कमेटी बॉक्स पर सामने आ जो यहाँ पर चेयर लगी है, और साथ में जो रनर टीम के कप्तान है खुलासा वक्त पान मसाला खुलासा वो भी अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर कमेटी बॉक्स के बिल्कुल सीधे आ जाए। और थोड़ा सा आप क्या दे दें दर्शक भाई ताली लाल भाई आपके बिल्कुल कभी ना करें, खिलाड़ियों के लिए ताली बहुत ही मायने रखती है, इनाम से ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही मेहनत का काम है क्रिकेट को खेलना। तो मैं जरूर कह दूंगा कि खिलाड़ी के लिए जानर और बनरी के लिए बानर और गिद्ध के लिए जानर का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही मेहनत करते हैं खिलाड़ी है अपने सारे खिलाड़ियों के तक पहुंचे। ग्यारह दिसंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और शुरुआती क्षण में बहुत ही धीमी शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, तकरीबन दो चार टीम ही पार्टिसिपेट करती थी, मगर तीन दिनों के बाद उसके बाद टीमों का आगमन शुरू हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं 64 टीमों ने इस टूर्नामेंट में एकता क्लब विधानसभा टूर्नामेंट में 64 टीमों ने हिस्सा लिया। और आज आपके सामने देख सकते हैं दो टीमों ने मुकाबला खेला, पहले मुकाबला जिसमें विनर टीम थी संजयपुर और जो विनर टीम है वो इस वक्त हमारे सामने हमारे कमेटी के दाएं जानिब खुलासा की टीम और जो थर्ड प्राइज रखा गया था और उसकी जो राजू साहब आ जाए वो आ जाए और अपना जो इनाम है थर्ड प्राइज और थोड़ा सा आप गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं आदिल साहब से कुछ जरूर पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा दीपक बात करना चाहूंगा मैं, और तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप यहाँ थर्ड डिवीजन के लिए चुने गए हैं, और मैं जरूर आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आपकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, सेमीफाइनल तक के सफर को तय किया और बेहतरीन गेंदबाजी की गई, फील्डिंग अच्छी की गई, मगर मुझे सेमीफाइनल से थोड़ा सा जो दिक्कत महसूस हुई मददगार रहा, उस पर 4 रन में 30 रन बनाना और एक बड़ी टीम के खिलाफ संजयपुर ग्राम सभा की टॉप की टीम है उनके खिलाफ 32 रन या 31 रन टारगेट देना, तो कहीं ना कहीं आज आपकी बल्लेबाजी क्लिक नहीं कर पाई। और अगले मुकाबला आप कहां पर जाकर खेलेंगे उसके बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को, कहां पर टूर्नामेंट अगला मुकाबला आप खेलेंगे? कल हम लोगों का मैच राजस्थान सिकरौर में है, 7-4 का भी मुकाबला है, कल वहां पे मैच होगा, उसके बाद परसों सबराज में हम लोग खेलेंगे। तो ये थे स्कीपर ऑफ खुलासा वक्त पान मसाला खुलासा के कप्तान
ये बता रहे थे कि हमारे बल्लेबाजी क्रिक नहीं कर पाए, तो आज जो सेकंड इनाम दिया जाएगा वो मिस्टर अखिलेश सिंह साहब प्रबंधक है, महर्षि स्कूल के प्रबंधक है, मैनेजर के हाथों से कैश प्राइज दिया गया है और ट्रॉफी भी मिस्टर सफराबाद के हाथों से, जो सेकंड ट्रॉफी है उनके हाथों से कलेक्ट करेंगे सुरक्षा के कप्तान मिस्टर फैसल। रिसीव करते हुए मिस्टर सफराज अहमद साहब वक्त पान मसाला के हमारे उनके हाथों से ट्रॉफी को कलेक्ट करते हुए जो एक मैन ऑफ द मैच की जो सेरेमनी होती है अवार्ड दिया जाता है, तो हमारे जूरी ने यह फैसला लिया है कि मैन ऑफ द मैच गोज टू सलमान संजय। मिस्टर दिलीप प्रधान साहब के हाथ से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रिसीव करते हुए मिस्टर सलमान संजय। कुछ सवाल कर सकते हैं? गुड लक, वेल डन, आपकी टीम पहले में मुकाबला जीती है और विनर टीम रही है, किसको समय देना चाहते हैं? पहले तो कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई का कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया यहाँ पे आने का। हम लोग दीपक ही भाई को जान रहे थे, यहाँ पे दीदार गंगा पुराने खिलाड़ी भी हैं और क्रेडिट जाती है, जैसे यूनुस जो हमारा बॉलर है बहुत अच्छा बॉलर है, वो अभी उसकी कोई एज नहीं, उतनी देर कोई बॉल डालता नहीं होगा जितना छोटा लड़का हुआ है, इसलिए जब वो लेट आता तभी मैं मैच खेलता हूँ, उसमें मुझे बहुत भरोसा है। दर्शकों के बारे में क्या कहेंगे दीदारगंज के दर्शक और जो दूर दूर से दर्शक देखने के लिए इस मुकाबले को आए थे, उसके बारे में कुछ आप तशरीह करेंगे? दर्शक क्या है, बस यही कहना है कि मजा आ गया यहाँ पे खेल के, पूरा सपोर्ट मिल रहा था हर तरफ से, जैसे दर्शक रहना चाहिए वैसे ही दर्शक के पूरा चारों तरफ ग्राउंड भरा था, यहाँ पे खेल के बहुत अच्छा लगा। ये थे मैन ऑफ द मैच के हकदार मिस्टर सलमान संजय। और चलिए जो बड़ा प्राइज है फर्स्ट प्राइज उसकी तरफ बढ़ते हैं और मैं बताना चाहूंगा स्कीपर ऑफ संजयपुर स्कीपर से पहले बुला लें, कौन से स्कीपर है संजयपुर के नाम? मिस्टर सलमान एक बार तो सलमान एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं और कप्तान भी है, एक बार फिर आपका खैर मकदम है, तो कैसा लग रहा है इस वक्त पे विराट हम के ऐतिहासिक स्टेडियम में फाइनल मुकाबला जीतकर क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल जीतना, और ग्राम सभा में मैं ओपन में भी फाइनल बहुत जीता हूँ पर वो मजा नहीं रहती, जो ग्राम सभा में पहुंच के फाइनल जीतना बहुत बड़ी बात है, मेरी तरह से तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ग्राम सभा में फाइनल जीत रहे हैं, 80 टीम 90 टीम में अगर आप एक टीम विजेता होती है उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। उसके लिए क्या स्कोर देखते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अभी टीनेजर है कम उम्र है और उनका भी बहुत ज्यादा मुस्तकबिल है, क्या उनको सलाह देंगे, क्या किस तरह का भविष्य उनका देखते हैं आगे चलकर? वो मैं आप लोग बता दूं आपको कि वो पढ़ाई में भी बहुत तेज है, पढ़ाई में उसका दिमाग ज्यादा लगता है और क्रिकेट भी खेलता है, इसलिए मैं उसको जहां भी मैच जाता हूं 2 बजे के बाद खेलता हूं, और अगर कहीं पहले भी खेलता हूं तो मैं कमेटी से बोल देता हूं भाई मेरी टीम पूरी नहीं है थोड़ा एक दो मैच हल्का करवा देना, फिर वो जो आ जाएगा फिर आपका जिससे मन जाएगा उससे करवा देना। ये थे मिस्टर सलमान मिस्टर के हाथों से कलेक्ट करते हुए साथ में ट्रॉफी प्लस ट्रॉफी तो दिया गया फर्स्ट प्राइज के लिए, तो ट्रॉफी भी उन्ना सिंह भूपेंद्र सिंह उन्ना सिंह ब्लॉक प्रमुख ठेकवा उनके प्रतिनिधि के हाथों से दिया गया
और अब एक बड़ा इनाम, बड़ा इनाम जो खिलाड़ी को एक उत्साह देता है और आगे खेलने वाले मुकाबले में एक एनर्जी पैदा करता है, जिसे कहते हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। एक ऐतिहासिक मैं कहता हूँ अवार्ड होता किसी भी खिलाड़ी के लिए। वो हमारे जूनियर मेंबर ने तय किया है। दर्शक से पूछना चाहूंगा, कुछ आप बताएं कि कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज का हकदार होगा? सलमान के हाथों से दिया जा रहा है। महर्षि अरविंद शिक्षण संस्थान के मैनेजर हैं, उनको दिया जा रहा है ट्रॉफी। फोटो शूट किया जा रहा है और अब यहाँ जो बच रहा है वो दर्शकों के लिए वही एक साइकिल इनाम है। टूर्नामेंट आयोजन किया जाता है उसमें दर्शकों को दी जाती है वही चीज साइकिल यहाँ है। तो अब उस बुक्स को खोला जाएगा, जिसका भी नाम निकलेगा वो हो जाएगा आसमान छू लेने वाला खिलाड़ी। तो 2019 में महुआरा का कोई एक दर्शक था जिसने आसमान को छू लिया था। नाम किसका है बता दीजिए। नबील रेहान अहमद, रिजवान अहमद, किशनीपुर, दीदारगंज, आजमगढ़। ये आ जाए रेहान अहमद, रिजवान अहमद। साइकिल उनको बढ़िया किसने पैसा दर्शक एक छोटा सा बच्चा लकड़ी कुछ कहेंगे रिजवान अहमद, कुछ कहेंगे आपको ये साइकिल इनाम मिला है तो दिल के अंदर कैसी फीलिंग, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वाह 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 वाह। तो एक मेडल भी पहनाया जा रहा है। तो सालाना जो दीदारगंज में पहनाया जा रहा है उसमें दी जाती है और इस बार के विनर है रिहान अहमद। ये किसने पर इन्होंने जीता है साइकिल को इस ग्राउंड पर, उनको मेडल भी पहनाया गया है। तो अब क्रिकेट टूर्नामेंट अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। कमेंटेटर का इनाम जो है दिया जाएगा हमारे बेहतरीन कमेंटेटर, हमारे बड़े भाई अपना इनाम रिसीव करेंगे, पारिश करेंगे। बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं, बीच बीच में मनोरंजन भी करते हैं, अपना इनाम रिसीव करते हुए आपको जाने से भी दिया जा रहा है। और कस्बा लाहौल आजमगढ़ का भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपने भी और कस्बा लाहौल आजमगढ़ जो लाइव टेलीकास्ट किए हैं उनको भी आवाज दी जाने। और मैं दूसरे जो मेरे साथी कमेंटेटर गालिब है उनको भी सम्मानित किया जा रहा है, तालियां बजा दें। बेहतरीन कमेंट्री की अच्छा साथ दिया है दीदारगंज में और लाइव दिखाने के लिए। और मदस्सिर मोहम्मद मदस्सिर महुआरा, ये कस्बा माहौल आजमगढ़ लाइव पेज के डायरेक्टर हैं, इन्होंने दिखाया है क्रिकेट टूर्नामेंट को। और तो मैं तमाम आयोजनकर्ताओं को मुबारकबाद जरूर देना चाहूंगा।
और दोनों कमेंटेटरों को 500 रुपए दिया जा रहा है। दिलीप यादव प्रधान दीदारगंज और सरकलेश सिंह जी भी ने दिया है 500 रुपए, तो शुक्रिया उनका मैं जरूर अदा करना चाहूंगा इस हौसलाफजाई के लिए कि उन्होंने जो सम्मान किया है। तो मैं दीदारगंज की बात जरूर कर लूँ कि दीदारगंज में जब भी टूर्नामेंट होता है तो मैं कमेंट्री करने के लिए मौजूद रहता हूँ और दीदारगंज से मुझे बहुत ही प्यार और मोहब्बत सम्मान दिया जाता है दीदारगंज से। तो मैं शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगा, शुक्रिया कहना चाहूंगा तमाम दर्शक और खिलाड़ी कप्तानों को। तो मैं इस वादे के साथ इस ग्राउंड से अपने दिल्ली स्टूडियो जरूर वापस जाना चाहूंगा कि अगर अगले साल यहाँ फिर मैच करवाए जाएंगे तो मैं अगर अल्लाह ताला ने जिंदा रखा सलामत रहा मैं दुनिया में तो फिर यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।